चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आज का काम हम स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट हो गए, अब मैं वीडियो ऑन करूंगी। कल आप तीनों बच्चे प्रेजेंट थे। मुसैब, रहबर, आयमन, आप तीनों कल प्रेजेंट थे। यस मैम। यस मैम। चलिए जी, ठीक है, फिर आप लोगों ने ये वाला किया होगा, टेक द करेक्ट ऑप्शन। तो आज आगे हम पढ़ेंगे, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, मेरी खांसी की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। तो बच्चों, आज का दूसरा सवाल है हमारा, सर्कल द थिंग्स दैट मूव ऑन देयर ओन। तो आपको बताना है, सर्कल करना है इन में से उन चीजों को जो खुद से मूव करते हैं। मूव मतलब खुद से चलते हैं, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है चलने के लिए। तो इट मींस, अगर ये वो चीज है जो खुद से चलता है, क्या ये नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है? रहबर, आप जवाब दीजिए। हमें उन चीजों को सर्कल करना है जो चीजें खुद से चलते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या कहते हैं जो खुद से मूव कर पाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? लिविंग थिंग्स। शाबाश। तो आपको क्या लगता है, बेबी, बटरफ्लाई, मैन, प्लांट, ब्लॉकार्ट, लोटस, डॉग? तो ये सब चीजें जो है ये लिविंग थिंग्स ही है, ठीक है? तो लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी हैं जो मूव नहीं कर पाते हैं। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स चंद ही है। तो हमें उन चीजों को सर्कल करना है जो खुद से चलते हैं। क्या बेबी खुद से नहीं चलता है? नहीं, क्रॉल कर रहा है। क्रॉल मतलब खुशुकरा, तो खुद ही करता है ना। तो हम सर्कल करेंगे। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी तो खुद से ही मुंह एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। सर्कल करेंगे। एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर ये वेल दिखाई गई है, तो ये भी तो पानी में खुद ही तैरती है, कोई इसको मदद मत करता है तैरने में। इसको भी सर्कल करेंगे। ये फिर बच्चा है, ये खुद अपनी टांगों से चल रहा है, ये भी तो खुद से मुंह करता है, तो इसको भी सर्कल करेंगे। उसके बाद है प्लांट। क्या प्लांट खुद से मूव करता है? क्या ये ब्लॉकर खुद से चलता है? क्या लोटस खुद से चलता है? मूव करता है? आयमन, आप वीडियो ऑन कीजिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सर्कल, डॉग को। इसके बाद है और एक, सर्कल द थिंग्स दैट कैन ग्रो बिगर बाय देयर ओन। हमें उन चीजों को सर्कल करना है जो खुद से बढ़ते हैं, ठीक है? तो कौन बढ़ता है? तो पहला है, ये है चिक। क्या है? तो चिक खुद से बढ़ता है कि नहीं? यस मैम। इसको करेंगे सर्कल। क्या बैलून खुद से बढ़ता है? क्या एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, बेबी एलिफेंट खुद ही ग्रो करता है ना, बड़ा बन जाता है? यस मैम। तो बेबी एलिफेंट को भी हम सर्कल करेंगे। ये वॉल है, ब्रिक्स है, क्या ये खुद से बढ़ते हैं? क्या गोट खुद से बढ़ता है? तो इसको भी करेंगे सर्कल, गोट को भी। उसके बाद ये यहाँ पर प्लांट्स है, क्या प्लांट्स खुद से ग्रो करते हैं? Yes, ma'am. तो इनको भी हम करेंगे सर्कल। इसके बाद है,
राइट एन फॉर लिविंग थिंग एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखे गए हैं. तो हमें क्या करना है, जो इनमें से लिविंग थिंग है उसको एल लिखना है और जो नॉन लिविंग थिंग है उसको एन लिखना है. एक मिनट वेट कीजिए. आइदा लिविंग थिंग रोल नंबर 26. आइदा बेटा आप कितनी लेट आई क्लास में? आइदा ब्रेक तक आप कहा थी? मैंने कहा से एंड पांच मिनट ऊपर 12 बजे आपको क्लास में आना होता है. निकालिए जल्दी से आप साइंस बुक पेज नंबर 7 रखिए सामने. तो बच्चों आप जिस बाकी रखे म्यूट पर, आयमन मुसैब रखो म्यूट पर, जब मैं बोलूंगी आप लोगों को अनम्यूट करो तब आप लोग अनम्यूट करोगे. तो जिस जिस बच्चे से मैं बोलूंगी वो बच्चा जवाब देगा. पहले सालिक आप मुझे बताओ ट्री लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? वेरी गुड, ट्री लिविंग थिंग है तो वहां पर आप एल लिखेंगे. रहबर आप अनम्यूट कीजिए. यस मैम. रोज बुश जो गुलाब की टहनी होती है क्या वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? गुलाब थर सुचना बड़ा ग्रो करा कहीं ना तक्षना पोश वोश खसा लिविंग थिंग. फिर आपने क्यों बोला नॉन लिविंग थिंग? वो लिविंग थिंग है तो वहां पर आप एल लिखेंगे. उसके बाद अकील आप मुझे बताओ ब्रिक क्या है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? वेरी गुड. ब्रिक जो है ब्रिक नॉन लिविंग थिंग देखियो तो एन. तो हम इस तरह से करेंगे, ए है ट्री, ट्री है लिविंग थिंग, बी है ब्रिक, ब्रिक है नॉन लिविंग थिंग, उसमें एन लिखेंगे. फिर रोज बुश सी वो है लिविंग थिंग. अब इसके बाद मुस्तैब रोल नंबर 24 पार्ट डी फ्लावर्स इन अ वास. जो वास होता है गमला होता है उसमें जो फूल होते हैं क्या वो लिविंग थिंग्स होते हैं या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग. वो नॉन लिविंग थिंग है. अगर हम किसी गमले में कोई पौधा बोते हैं ठीक है फिर उसमें से फ्लावर्स निकलते हैं तो वो पौधा लिविंग थिंग. अब तेल के जो अच्छा नॉन लिविंग थिंग. ये छपाई पौधा कहीं पर भी हो, चाहे पौधे के लीव्स हो, चाहे पौधे के फ्रूट्स हो, चाहे पौधे के क्या होते हैं बाकी ब्रांच होते हैं या बाकी पार्ट्स होते हैं, सूचना पार्ट ऑफ प्लांट. तो जब प्लांट लिविंग थिंग है तो उसके पार्ट्स भी तो लिविंग थिंग्स ही माने जाते हैं ना. जिस तरह से हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी किससे बनती है? लेग से, आर्म से, हेड से, बाकी अज़ा है हमारे जिस्म के. तो हम बोलेंगे किसी एक पार्ट को उठाएंगे, हमारी बाजू है, हम क्या बोलेंगे हैंड लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? तो ये हमारी बॉडी का पार्ट है ना तो वो लिविंग थिंग है कि नहीं? ऐसे ही जो प्लांट्स है उसका कोई भी पार्ट हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, वो सब तो लिविंग थिंग्स होते हैं बिकॉज दे ग्रो, है कि नहीं? तो यहाँ पर आप लिखेंगे एल. एल स्टैंड फॉर लिविंग थिंग. मैं फिर से बताती हूँ, पार्ट डी जो है फ्लावर्स इन अ वास उसको लिखो एल. एल मींस लिविंग थिंग. उसके बाद है पार्ट ई. अदीबा आप बताओ लिजर्ड, लिजर्ड लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? चिपकली. लिजर्ड हम चिपकली को बोलते हैं, वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? हाँ वो लिविंग थिंग है. तो वहां पर आप एल लिखोगे, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, कुछ भी हो वो क्या होता है लिविंग थिंग. तो लिजर्ड एक इंसेक्ट है. तो पेज नंबर 7 बेटा मैंने पहले ही बोला आपको पेज नंबर 7. इसके बाद आयमन आप अनम्यूट कीजिए. बताइए बेटा बी B-E-E-B क्या है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? मैम लिविंग थिंग. वेरी गुड, क्योंकि ये क्या है, ये भी
एक इंसेक्ट हम बोल सकते हैं, है कि नहीं? इंसेक्ट ही है क्योंकि जो छोटे छोटे होते हैं उनको इंसेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये भी ग्रो करती है, ये भी बढ़ती है, ये भी मूव करती है, ये लिविंग थिंग है, तो वहां पर आप लिखेंगे एल। इसके बाद आयदा जान आप अनम्यूट करो अपनी माइक और वीडियो ऑन कीजिए। आयमन म्यूट योर माइक। हाँ आयदा, बताइए। प्लेट, प्लेट जिस पर हम खाना खाते हैं या रोटी रखते हैं, प्लेट के बहुत सारे यूजेस है। तो ये प्लेट क्या है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग। रहबर आपसे मैंने पूछा, पूछूंगी वही। वेरी गुड, ये नॉन लिविंग थिंग है, वहां पर आप एन लिखिए। पिज्जा, वुडन चेयर, जो लकड़ी की चेयर होती है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? वेरी गुड, नॉन लिविंग थिंग है, वहां पर आप लिखेंगे एन। इसके बाद मुसैफ आप अनम्यूट करो। यस मैम। बोट, बोट लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग? लिविंग थिंग। हाँ, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। बाकी नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। क्या इसको कंफ्यूज मैं दो बोटस मच इस दिमाग बात सुन खान खतर ना तुम चुसु दरिया बुक आब चमान टाइम से छु बड़ा बोट है नॉन लिविंग थिंग, तो वहां पर आप एन लिखोगे। मैं हां जी। इसके बाद रहबर आप अनम्यूट करो। यस मैम। ड्राई येलो लीफ, सूखा हुआ येलो कलर का पत्ता। लीफ हम बोलते हैं प्लांट के पत्ते को, लिविंग जिंदा होता है या मुर्दा होता है? मुर्दा। हाँ वो मुर्दा होता है, तो जिसमें जान नहीं होती है उसको हम लिविंग थिंग बोलेंगे या नॉन लिविंग थिंग बोलेंगे? नॉन लिविंग थिंग। आप देखते हो ना इस टाइम भी जो पेड़ के पत्ते है वो सूख कर गिर जाते हैं, कहाँ? जमीन पर। जो इस पर होते हैं प्लांट्स पर भी सूखे हुए पत्ते होते हैं, उनमें जान नहीं होती है, तो जिस वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है और फिर वो प्लांट से ट्रीज से गिर जाते हैं। तो जहां पर भी आप सुनोगे ड्राई लीव, सूखा पत्ता, उस टाइम लिविंग नहीं होता है, उस टाइम क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग। ओके, इसके बाद आयमन, आयमन आप क्यों वीडियो बंद रखती? हाँ आयमन बताइए, स्पून क्या है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? मैम नॉन लिविंग थिंग। वेरी गुड, तो वहां पर आप लिखेंगे एन। उसके बाद है डॉल, आयदा ने एग्जिट किया है। रहबर बताओ डॉल लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? मैं नॉन लिविंग थिंग। शाबाश, तो वहां पर आप लिखोगे एन। अब मैं फिर से बताती हूँ, पहले में है एल, फिर है एन, फिर है एल, फिर है एल, फिर है एल, फिर से एल, फिर है एन, 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 ठीक है? तो ये जो आपका बुक वर्क है पेज नंबर 7 का, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या मैंने बोला, पेज नंबर 7 का जो है ना बुक वर्क, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद है इंटीग्रेशन, जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तो वैसे ही यहाँ पर पेज नंबर 8 पर ये इंटीग्रेशन है, ये आज आपका होमवर्क है। तो सब बच्चे इसको ऊपर लिखेंगे HW। इसमें आपको क्या करना है, रोहिणी सॉ बेंट्स, बर्ड्स, ट्रीज, बटरफ्लाइज एंड स्टोन्स इन द पार्क। नाउ लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस हियर। सर्कल स्टैंड्स फॉर टू। सुनो इसको क्या करना है, ये आप फिर खुद घर पर सब बच्चे करेंगे, कल मैं चेक करूंगी। जो ये गोल है ना सर्कल, इसका मतलब है ये टू है, क्या है? टू। अब मैं एक यहाँ पर दिखाऊंगी,
यहाँ पर कितने सर्कल्स है पहले वाले टेबल के ऊपर? 1, 2, 3, 4. जरा हर एक सर्कल के पास लिखो 2, 2. 2, 2, 2, 2. अब टोटल गिनो कितने हुए? 1, 2, 3, 4 ही है. जरा 2, 2 को टोटल करो. वेरी गुड. तो यहाँ पर टोटल आता है 8. तो चलो होमवर्क ने हम इसको क्लास वर्क ही रखेंगे. चलो करो सब बच्चे, मैं चेक करूंगी. करो ये सारे ऐसे ही है. 2, 2 करके प्लस कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि रोहिणी ने कितने बैंड्स देखे, कितने बर्ड्स देखे, कितने ट्रीज देखे, कितने बटरफ्लाईज देखे और कितने स्टोन्स देखे. कीजिए, फिर मैं इसको कल चेक करूंगी. तो खाली आज आप करके बोलोगे मैम मैंने किया, चेक मैं कल करूंगी. मैम सबको 2, 2 लिखना है ना? हाँ जी बेटा, हर एक सर्कल 2 के बराबर. नहीं, नीचे टोटल लिखा हुआ है यहाँ बुक में टोटल. तो यहाँ पर जो ये स्पेस दी गई है इसमें आपको टोटल लिखना है. ठीक है, मैम मैंने लिखा लिखा. यस मैम. करो वेट मैम, आप देखिए मैंने ठीक लिखा है. बेटा आप बैठो अभी चुप करके, आप अपनी बुक पे नहीं दिखाओगे. जब सब बच्चे कंप्लीट करेंगे फिर मैं सबके आंसर सुन. मैम मैंने किया खत्म. मुसैब जरा बोलो आंसर क्या निकला आपका. हाँ यस मैम. हाँ बेंच्स कितने आए? हाँ कितने बेंच्स आए मुसैब? 8. पैरट्स 14. कोकोनट ट्रीज 15. गलत है. बटरफ्लाई मैम 1 मिनट. करो आराम से. रहबर जरा आप आंसर्स बोलो. बैठ लीजिए. पहले में है 8, दूसरे में है 14, तीसरे में है कोकोनट्स है 16 ट्रीज, बटरफ्लाईज है 12 और 14. स्टोन्स स्टोन है 14.
वेरी गुड, चलो वेरी गुड, आपने ठीक किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पेज नंबर 6 और 7 पर जो बुक वर्क है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और जिस तरह से ये है सर्कल द थिंग्स दैट मूव ऑन देयर ओन, मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि बताइए कि नॉन लिविंग थिंग कौन है और लिविंग थिंग कौन है। जिस तरह से आपको लिखना था आज, राइट एल फॉर लिविंग और एन फॉर नॉन लिविंग थिंग, आपको बताना है लिविंग थिंग कौन है और नॉन लिविंग थिंग कौन है, ठीक है? तो आप नो आंसर। हाँ आप सुनो ना, वो नहीं मैं बोली, मैं बोलना आप लर्न करना, फिर कल मैं सुनाऊंगी, ठीक है? अब आज की क्लास यहाँ कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड, अल्लाह हाफिज। मुसैब, आपकी बुक में चेक करूंगी, आपने इंटीग्रेशन सही नहीं की थी, इसमें आप सही तरीके से करोगे? मैंने ठीक किया। जरा बोलो कितने बेंच आए? 8 हाँ? 14 हाँ? 14 14 नहीं, बटरफ्लाइज 12 हाँ, स्टोन्स 15 नहीं है, 14 हाँ ठीक है 14। चलो जी ठीक है, आप बुक वर्क आप लर्न करना, इंशाल्लाह कल मैं सुनाऊंगी। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर।